Good morning, students. Today our topic is part of communication. अपना आज का टॉपिक है वेक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन. कौन कौन से ऐसे वेक्टर होते हैं जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि एक सेंडर है वो एक मैसेज बनाता है और उस मैसेज को सामने वाला जो रिसीवर है वो रिसीव करता है और वो रिसीव करने के बाद में एक फीडबैक मिलता है जो वापस सेंडर के पास जाती है और वो उसको वापस इंटरप्रेट करता है. तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस. और इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन पूरे प्रोसेस को प्रभावित करते हैं. इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारे जो फैक्टर्स है लाइक डेवलपमेंट टेरिटोरियलिटी रोल्स एंड रिलेशनशिप कॉन्ग्रेवनेंस देन इंटरपर्सनल एटीट्यूड वैल्यूज एंड परसेप्शन पर्सनल स्पेस एनवायरमेंट एंड जेंडर. दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं फर्स्ट जो अपना आता है डेवलपमेंट फैक्टर्स. डेवलपमेंट और एज एज और जो डेवलपमेंट है वो ये फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा जो बच्चा है चाइल्डहुड एज का बच्चा है उसको कोई भी मैसेज अपने को कन्वे करना हो तो किस फॉर्म में कर सकता है, किसी टॉय को देखकर डॉल से या वो स्टोरी टेलिंग से कोई भी चीज़ उसको अच्छे से समझाई जा सकती है. और जैसे जैसे एडोलसेंट्स हैं वो किसी चीज़ को अगर समझते हैं जो अडल्ट होते हैं तो उस वो काफ़ी ज़्यादा उनका क्या होता है वो क्वेश्चन पुटअप्स करते हैं, क्यूरोसिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है. तो ये तो अडल्ट्स के अंदर होता है. तो पर्टिकुलर हर एज ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग भी अलग होती है और उनका मैसेज का जरिया भी उस हिसाब से ही होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू एज जो मैसेज का होना चाहिए ये फैक्टर डेवलपमेंट एज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट अपन बात करते हैं द टेरिटोरियलिटी. व्हाट इज टेरिटोरियलिटी? टेरिटोरियलिटी मीन्स जो पर्सन है फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके आसपास उसका बेड साइड टेबल और जो भी मेडिसिन हैं जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके आसपास जो भी है वो उनको अपनी टेरिटरी समझने लगता है, वो उनके ऊपर अपना अधिकार समझने लगता है. तो उस प्रकार अगर कोई भी वो चीज़ उठाता है उससे पूछा बिना या कुछ भी टच करता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता. तो जो भी नर्स है पहले उसकी टेरिटरी के अंदर घुसने से पहले देन कुछ भी आप उठा रहे हो सही कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको आपको बताना चाहिए देन आपको कम्युनिकेशन ये बेटर कम्युनिकेशन का पार्ट है. ये भी फैक्टर है काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को. अगर आप बिना पूछे कोई भी चीज़ उठा रहे हो तो पैसे का आपके प्रति जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं रहेगा, वो आपके साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करेगा. ठीक है, देन सेकेंड आता है रोल्स एंड रिलेशनशिप. रोल्स एंड रिलेशनशिप के अंदर अपन देखते हैं द रोल एंड रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इफेक्ट सिग्निफिकेंटली द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ए गर्ल विल इंटरैक्ट डिफरेंटली विद हर फादर टीचर फ्रेंड सिस्टर नर्स स्ट्रेंज पर्सन थस द कंटेंट ऑफ मैसेज चॉइस वर्ड्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ वॉइस. इसके अंदर ये बताया है रोल्स एंड रिलेशनशिप. एक पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जो उसका अपने जो टीचर है और उसके पेरेंट्स हैं या वो किसी नर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है या किसी डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो सिलेक्शन ऑफ दी वर्ड्स हैं वो अलग अलग होंगे उनके हिसाब से होंगे मतलब और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैसेज
होगा, मतलब कहीं प्रोफेशनल है जगह है अपना, तो प्रोफेशनल वर्ड्स या एक एग्जैक्ट वर्ड्स अपन काम में लेंगे, फ्रेंड्स के बीच में तो कुछ अलग वर्ड्स अपन काम में लेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं हो सकता जो अपन फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करते हैं जो वर्ड्स काम में लेते हैं, अपन प्रोफेशनल जगह भी लेते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट के लेंस, इसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, इसके अंदर देखते हैं इच टू वाट एक्सटेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आर सिमिलर और मैच टू ईच अदर, परसेप्शन ऑफ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज इफ नॉट वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज डज नॉट मैच क्लाइंट विल लूज ट्रस्ट एंड अवॉइड इंटरेक्टिंग विद ए नर्स। फॉर एग्जाम्पल वाई दी केयर ऑफ एड्स पेशेंट, इफ नर्स इज मेकिंग डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन देन क्लाइंट विल डज नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हिज इंफॉर्मेशन विद नर्स। कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है अगर आप किसी एक एचआईवी पेशेंट की केयर कर रहे हो और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सही नहीं है, तो उस पेशेंट के अंदर आपके प्रति मिसट्रस्ट है, जो गलत जो फीलिंग्स है वो आपके प्रति उसके डेवलप होगी और आपके साथ वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस। देन अपन बात करते हैं इंटरपर्सनल एटीट्यूड। इंटरपर्सनल एटीट्यूड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड रिफ्लेक्ट द बिलीव थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। एटीट्यूड सच एज केयरिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेबल फैसिलिटीज कम्युनिकेशन थस नर्स हैविंग सच एटीट्यूड विल डेवलप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड कलीग्स वेयर द लैक ऑफ इंटरेस्ट कोल्डनेस इनहिबिट कम्युनिकेशन अल्टीमेटली रिलेशनशिप। इसके अंदर बताएं इंटरपर्सनल एटीट्यूड, इंटरपर्सनल एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन किसी से बात कर रहे हैं और अपना उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो उसके साथ वो कम्युनिकेट कर अपन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यूज एंड परसेप्शंस। वैल्यूज एंड परसेप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज एंड परसेप्शन के अंदर आता है कि वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड परसेप्शन आर द मेंटल इमेज ऑफ एन इवेंट एवरी ह्यूमन बीइंग परसीव इंटरप्रिएट मैसेज अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी ट्रेड वैल्यूज एक्सपीरियंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्स अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स values and perceptions, he can verify it from client to avoid creating barrier in nurse-client relationship. Then अपन next बात करते हैं personal space। एक personal space का मतलब हुआ अगर for example कोई भी mother है वो अपने बच्चे की care कर रही है, या तो इस हिसाब से उसको एक particular एक पर्सनल और एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसके लिए जो बच्चे के लिए जो वर्ड सेलेक्ट करी है कुछ भी स्टोरी टेलिंग करेगी तो उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। स्पेस देंगे तो उसके साथ अच्छा से कम्युनिकेट करेगी और आपको भी कम्युनिकेशन में उसके साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प होगी। देन अपन बात करते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर ए कंडक्टिव थेरापेटिक एनवायरमेंट इज the necessity for the effective communication, so the environment should be noise free, well ventilated and have temperature within normal range, lack of privacy, light also affect the communication.